दसवीं बारहवीं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं और इसमें बड़ी संख्या में जो छात्र छात्राएं हैं उन्होंने अपना परीक्षा परिणाम उत्तीर्ण कर लिया है। ऐसी ही हमारे साथ एक छात्रा है वेदांतिका शर्मा, जिन्होंने 96% 12वीं कक्षा में लाया है, उनके से सीधा बातचीत करेंगे। वेदांतिका जी, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई न्यूज़ 18 की ओर से। थैंक यू सर। ये बताइए, किस तरह की तैयारी रही है आपकी इस परीक्षा को लेकर और क्या उम्मीद थी आपको परिणाम को लेकर? पेपर तो अच्छा गया था और तैयारी भी की थी। हाँ, तैयारी भी मतलब करते, जैसे नॉर्मली एक दिन में जितना पढ़ सकते उतना पढ़ती थी और रिजल्ट का था कि हाँ पेपर अच्छा गया है तो अच्छा आएगा जी। क्या आगे लक्ष्य है आपकी, क्या करना चाहती हैं? गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करूँगी। क्या करेंगे उसमें? UPSC जी, UPSC का तैयारी करूँगी जी। घर परिवार का कितना सहयोग रहा है आपके इस परिणाम के पीछे? बहुत बहुत, सबसे ज़्यादा सहयोग घर परिवार का ही रहा है। मेरे पापा जी, मम्मी और दिव्या दीदी पूरा सपोर्ट किए हैं। उन लोगों के सपोर्ट की वजह से ही अच्छे से पढ़ पाई मैं और उसी वजह से अच्छा। क्या लगता था आपको, उम्मीद थी कि 96% आएगा, आप टॉप 10 में शामिल होंगे? नहीं, मतलब पेपर अच्छा गया था सारे पेपर, बट केमिस्ट्री का उतना अच्छा नहीं गया था, तो 96 का तो उम्मीद नहीं था, पर ठीक आएगा उतना पता था। अच्छा, कितनी घंटे तैयारी करती थी इन परीक्षा को लेकर? जब आप उत्तीर्ण करना है, आपका लक्ष्य था, उस लक्ष्य को भेदना है, तो कितने घंटे तैयारी करती थी, कैसे पढ़ाई? 12-13 घंटे तक पढ़ लेती थी पेपर के, मतलब 4-5 महीने पहले तक 12-13 घंटे पढ़ लेती थी रोज़ जी। अब और उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहती है जो कई बार ऐसा होता है कि कम अंक आता है या फेल हो जाते हैं और कुछ ऐसे आत्मघाती कदम उठा लेते हैं जिससे परिवार वालों को उनको तकलीफ होती है? हाँ, तो यही कहूँगी कि नंबर से कुछ नहीं होता है, थोड़ा एक साल अगर अच्छे से मेहनत करते हैं तो ठीक नंबर आ जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आंसर शीट सही से चेक नहीं होती है, तो नंबर को लेकर सब नहीं करना चाहिए, एक साल की मेहनत का बस रिजल्ट रहता है, तो उतना मायने नहीं रहता उसे। वेदांतिका की मम्मी भी हमारे साथ है। किस तरीके से वेदांतिका तैयारी करती थी? बहुत मेहनती है वेदांतिका, शुरू से ही, बचपन से ही उसने मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये उसके मेहनत का परिणाम है, जो उसने किया है वो उसे मिला। कि पढ़ाई के दौरान किस तरीके से वेदांतिका की आप मदद करती रही हैं? मेरा तो कुछ ऐसा ये नहीं है, पढ़ाई में वो खुद ही बहुत ज़्यादा मेहनत करती है और हम लोग, जैसे मेरे मतलब उसके पिताजी उसकी बहुत मदद करते हैं। तो ये कि रात रात को पढ़ाई करती थी? रात को वो ना 12-1 बजे तक पढ़ती थी। अब किस कहाँ पर देखना चाहती हैं बिटिया को? मैं उसे बहुत ही ऊँचा उड़ना मैंने देखना चाहती हूँ, जैसे कि उसका है UPSC का लक्ष्य है तो वो उसे पूरा हो, ऐसा हम लोग भी चाहते हैं। जो नाम लिखती हैं? मेरा नाम मनीषा शर्मा जी। तो ये थी वेदांतिका की मम्मी और वेदांतिका का भी ये कहना है कि वो आगे चलकर UPSC की तैयारी करेगी और उसका सपना है कि वो गवर्नमेंट जॉब करे और लोगों की मदद करे। बिलासपुर से न्यूज़ 18 के लिए उमेश मौर्य।